इतना गुमान करे ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान करे ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा रुक जाओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का रुक जा जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आती हूँ अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने अरे हम तो चले आए सनम तुझको मनाने चाहे तू चाहे ना पब्लिक है पब्लिक बाबू ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है होठों में ऐसी बात होठों में ऐसी बात मैं दबाके चली सोनाक्षी और शिवम आ जाओ तालियां बजाइए
आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई तू चल आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई तू चल मैं आई नो नो तू चल मैं आई जा क्या है देखो जरा तुम घड़ी गुजर जाए ना प्रेम की ये घड़ी आती हूँ थोड़ा सा धीरज धरो लगा दूंगी मैं प्रेम की पिछड़ी ओ इतनी ही दूर है तू जितनी करीब है की अब तो जान पे बन आई है प्यार की गहराई अब तो जान पे बन आई है प्यार की गहराई तो किस बात की है लड़ाई तू चल मैं आई मेरे पास तू चल तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ तुम आई तो सच कहता सर अनुपम सर आपके साथ फिल्म में द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी भी हैं इंडियन आइडल परिवार में भी एक बहुत ही बुजुर्ग सदस्य हैं आप ही के हम उम्र भी नहीं कह सकते एक्चुअली आपसे कुछ 4-5 साल बड़े ही हैं वो तो उन्होंने कहा है कि वो आपकी फिल्म का जो बहुत ही पॉपुलर गाना है सर केटी को उस गाने को वो स्टेज पर रिक्रिएट करना चाहते हैं और वो हमारे बुजुर्ग सदस्य रहे पापा शिवम मखमल गालों वाली मस्त ख्यालों वाली चंचल चालों वाली ओ केटी को बर्फ बदन है केटी को सुर्ख लगन है मुश्किल जीना खाना रे मुश्किल यार आशिकी मुश्किल सोना गाना रे मुश्किल यार आशिकी पटियारी जैसी नर्त किनारी जैसी पटखनियारी जैसी छुपा छुपी खेलने लगी मखमल गालों वाली मस्त ख्यालों वाली चंचल चालों वाली छुपा छुपी खेलने लगी गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे
सुपर रूप तेरा साधा चंद्रमा जो आधा आधा जो आरे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ रे चिराग रिजेक्शन नहीं तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी टीम जो ऊंचाई है हम लोग भी जब क्लाइम करते तो हमारे लिए जो एवरेस्ट थे जो पहाड़ थे ना वो एक लड़की की तरह थे जो हमें बुलाती थी कि आओ तो कभी रिजेक्शन से डरना नहीं बेटा एवरेस्ट मिलेगा सॉरी मैं कुछ कहना चाहूंगा आई एम सो सॉरी जी सर मेरी मोहब्बत तो रिजेक्ट नहीं हुई है उसका मतलब नहीं कि मैं खुश हूं सकते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं तो मेरे मुंह दादा आप गलत गा रहे हो तो हर म्यूजिशियन ने अपना अपना इंस्ट्रूमेंट एक अदृश्य तरीके से मेरे चेहरे पर पहना तो और सब बॉडीगार्ड थोड़ा आगे कि अब इसको जूते पड़ेंगे मार पड़ेगी तो दादा ने कहा अच्छा 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 हाँ गाना गा गलत गा रहा हूँ गाना अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड तो गलत कैसे गा रहा हूँ भैया कौन हो तुम मैंने कहा नहीं मैंने सारांश में रोल किया अच्छा अच्छा हाँ अच्छा किया था शायद किया ना देखी नहीं हाँ क्या गलत गा रहा तो मैंने कहा दादा आपने ओरिजिनल गाना ऐसे गाया है अभी आप ऐसे गा रहे हो क्या था कैसे गाया ओरिजिनल मेरे गट्स देखो मैंने कहा ओरिजिनल में आपने गाया तो जान गा के सुना अभी कैसे गा रहा हूँ मैंने कहा अभी आप कर रहे हो अच्छा 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 सबको देख रहे हैं ओरिजिनल गाना किसने गाया मैंने कहा आपने ये कौन गा रहा आप आपके बाप का क्या जा रहा है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.